हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं इंग्लिश। कैसे आप में से बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, और ये बिलीव करो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे स्ट्रक्चर की कंपनी खोलनी, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। कई ढेर सारे बच्चे बोलते हैं मुझे प्लानिंग की कंपनी खोलनी, सर उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। तो आइए समझते हैं कंपनी इसके लिए रिक्वायरमेंट है या फिर कंपनी होती क्या है, इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा बड़े ही आसान शब्दों में, जैसा मैं हमेशा समझाता आया हूं। चलिए गाइस, तो अब ये समझिए कि आपको स्ट्रक्चर की कंपनी खोलनी है या फिर कंपनी खोलनी है, पहले ये क्लियर करो। मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल अलग होता है और एक कंपनी अलग होती है, ठीक है। अगर आप अभी अपनी बिगनिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो अपने करियर को, तो आपको कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल भी होके काम कर सकते हो। लाइक अगर आपको प्लानिंग का काम करके देना है किसी को, तो उसके लिए यूनिक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं खोलना है। प्लानिंग के काम करने के लिए आपने बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा करके 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो अपने जो भी पास के नियर बाई आपके पास लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ चले जाइए। वहाँ पर एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आप उनको बोल दीजिए मुझे लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे। जस्ट उस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए और वहाँ पर एक चालान भर दीजिए। क्या भर दीजिए भाई? चालान भर दीजिए 1500। चालान मतलब पुलिस वाला चालान नहीं है जो FIR करो, सॉरी जो ये कार्ड देते हैं हेलमेट नहीं पहना है उसका चालान नहीं। चालान मतलब कि 1500-2000 रुपये फीस होती है, तो वो आपको बैंक के माध्यम से भर देना है और आपको क्या हो जाएगा, 1 महीने के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा कि आप प्लानिंग करके दे सकते हो किसी भी XYZ पर्सन को। उसकी मतलब कि क्राइटेरिया होती है कई ढेर सारी, मैक्सिमम जगहों पे है कि 300 मीटर स्क्वायर तक की प्लानिंग आप करके दे सकते हो। इसके ऊपर की प्लानिंग करने के लिए आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर एक टाउन प्लानर का लाइसेंस अलग से बनता है, 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। अगर जानना चाहते हो टाउन प्लानर के बारे में तो कमेंट करना, टाउन प्लानर नेक्स्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये हुआ कि आप गए 1500 रुपये में, 2000 रुपये में आपका लाइसेंस बन गया। अब आप किसी को भी प्लान दे के स्टैम्प लगा के साइन करके दे सकते हो, यहाँ पर कंपनी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं भाई। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर वाले। सोच रहे होंगे सर मेरा तो बता ही नहीं रहा, आप तो प्लानिंग वालों को डिस्कस करने लगे। नहीं, स्ट्रक्चर्स में अगर आप लोगों के पास, अगर आपने MTech कर रखा है तो 2 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, BTech कर रखा है तो 3 साल के लिए, कुछ जगहों पे 5 साल के लिए आपको मिनिमम स्ट्रक्चर्स के फील्ड में रिक्वायरमेंट है। अगर आपने BTech कर रखा है और 5 साल आपने स्ट्रक्चर्स की फील्ड में काम कर लिया है, आपको MTech करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू योर MTech। तो आपको ये मत सोचना कि सर मैंने तो बीटेक किया, मैं स्ट्रक्चर की ड्राइंग में कैसे साइन करूंगा। 5 साल हो जाए तो आप आराम से जाके अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर जो लोग MTech किए हुए हैं वो 2 साल उनका एक्सपीरियंस कहीं पे भी हो जाता है, वो भी जाके अप्लाई कर सकते हैं सेम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। एक होता है इंडिया लेवल का, जिसके लिए मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट बताया था कि इंडिया लेवल का लाइसेंस कैसे मिलता है। एक होता है कि आपको जनरल अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करना है, उसके लिए भी 3 से 3500 रुपये लगभग फीस है, हर जगह वेरी करता है फीस मतलब सिटी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर जाओ और आपको सिंपल चालान आपको फॉर्म भरना है, अपना एक्सपीरियंस लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है कॉलेज का, ओरिजिनल फोटो स्टेट है तो लगाना है, आपको वहां से स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। अब आप स्टैम्प मार के साइन कर सकते हो स्ट्रक्चर के किसी भी ड्राइंग पे। क्लियर है? इन दोनों केसेस में आपको कंपनीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं भाई कंपनीज क्या होती है। तो कंपनीज में क्या होता है कि आप किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक होता है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, वो सबसे स्टार्टिंग लेवल की कंपनी होती है सोल प्रोप्राइटर, जिसमें आप ही खुद मालिक होते हो, ठीक है। एक होती है पार्टनरशिप। क्या होती है पार्टनरशिप? वैसे तो बहुत ढेर सारी होती है, पार्टनरशिप होती है, LLP होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, अलग अलग क्राइटेरिया है। बट आपके लेवल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन लेने की जरूरत ही नहीं है, सोल प्रोप्राइटर इज द बेस्ट फॉर यू। क्यों? इसमें आप खुद ही मालिक होते हो, ठीक है, और आपको ज़्यादा किसी लाइक CA की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा किसी वकील की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट टाइम हायर कर लो, जैसे मैंने किया हुआ है, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मेरे पास CA भी है, लॉयर भी है, बट वो पार्ट टाइम है, मुझे फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। बट प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में कंपलसरी होता है कि ऐसा ऐसा करना है। चलिए, ठीक है, ऑडिट वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं रहता सोल प्रोप्राइटर में, तो ये काफ़ी हद तक इजी रहता है। अब दूसरी चीज़ होती है कि गाइस आपको कैसे पता चलेगा मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो उसके लिए MSAB होता है, MSME, ठीक है, वहाँ जाना है। जैसे अपने यूनिक सिविल का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है सब MSAB अप्रूव्ड है, तो MSAB के साइट पर जाना है आपको। वहाँ पर अपना बता देना है कि भाई हमारी ये कंपनी, हम नाम ये रखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल से थोड़ा बड़े आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने स्ट्रक्चर का लाइसेंस ले लिया, अब मैं ज़्यादा लोगों को हायर करने वाला हूँ ना, तो मतलब अब मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी,
इंडिविजुअल काम करने के लिए आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 10 लोगों को हायर करना है, ठीक है। तो एमएसएमई के लिए रजिस्टर्ड कर साइट पर चले जाओ, और एमएसएमई के साइट पर जाने के बाद जस्ट आपको अपना लाइसेंस फिल कर देना है कि भाई हमने, ये मेरा नाम है और ये ऐसे ऐसे ऑफिस है, ये यहाँ पर एड्रेस है इसका, और जस्ट रजिस्टर्ड करके साइन कर दो, ठीक है। अप्रॉक्सिमेट 100 रुपीज फीस है उसकी, तो उस पर जाके देख लेना और फर्स्ट वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा एमएसएमई पे। कितना आसान है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सॉपेक लाइसेंस। सॉपेक लाइसेंस के लिए अप्रॉक्स 1000 के आसपास हर जगह पे, कहीं 980, कहीं 1020 ऐसे फीस है। सॉपेक लाइसेंस के लिए आप हर स्टेट के सॉपेक लाइसेंस के लिए आप चले जाइए, डायरेक्ट उस पर आपको लिखना पड़ता है। सॉपेक लाइसेंस के लिए आपको एक लाइसेंस भी आपका बन के आता है, और वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट लिखी, मेरी ये कंपनी है, इस एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है, आप वहाँ पर सारी फुलफिलमेंट कर दो, उसके बाद आपका सॉपेक लाइसेंस बन जाएगा। ये दो चीज़ अगर हो गया, एमएसएमई हो गया और सॉपेक्ट हो गया, तो आप रजिस्टर्ड हो गए। अब इसके बाद होता है तीसरा नंबर, जो कि होता है कि अगर आपके पास 20 लाख के ऊपर आपका जो टर्नओवर है वो अगर आ रहा है, तो फिर आपको जीएसटी शो करना पड़ता है। तो आप अगर चाहो तो जीएसटी के लिए भी लाइसेंस, मतलब स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो जीएसटी के लिए। और फिर क्या होगा कि आपको उसके लिए जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो भी आपके पास इनकम आएगी उसका 18% आपको देना पड़ेगा, दैट इज जस्ट फॉर जीएसटी। तो वो उनके लिए जब आप थोड़े से अपनी कंपनी को एक्सप्लोर कर लोगे, तब स्टार्टिंग में केवल एमएसएमई और सॉपेक लाइसेंस दो सफिशियंट है। जब आपका काम चलने लगे तो आप जीएसटी फाइल कर दीजिए, मतलब जीएसटी के लिए फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन अपने आप भर दीजिए, चाहे फिर सीए रख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो जीएसटी के लिए कर दीजिए, और उसके बाद और अच्छा आपका काम आपको लगने लगा, मेरे काम में दम आने लगा है, मेरा काम अच्छा होने लगा है, आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो लोग चेक करेंगे, आपको आईएसओ सर्टिफाइड कर देंगे, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए समझ आया, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जब इंप्लॉई हायर कर रहे हैं तो एमएसएमई में और सॉपिक लाइसेंस बनवा लो बस, जब टर्नओवर बढ़ जाए तो जीएसटी आप फाइल कर दो, मतलब जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका काम अगर आपको लगने लगे कि अभी अच्छा होने लगा है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो। मेरे पास यूनिक सिविल का सब कुछ है, मतलब मैं सोल प्रोप्राइटर, मेरी कंपनी है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं उसमें कंस्ट्रक्शन का पूरा काम करता हूँ, उसी में मैंने एजुकेशन का भी सारा काम ऐड कर दिया है। तो उसमें एमएसएमई भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी भी रजिस्टर्ड है, हर चीज़ के लिए मैंने रजिस्टर्ड कर रखा है, आईएसओ सर्टिफिकेशन भी कर रखा है और सॉपेक लाइसेंस भी कर रखा है। समझ में आया, इन सब के लिए आपको एक अस्थायी निवास, मतलब चाहे फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर आपका खुद का घर है, आपको शो करना पड़ता है। आपको ऐसे जरूरी नहीं कि आपको ऑफिस दिखाना है बहुत बड़ा सा, आप कहीं पे भी कर सकते हो इन सब चीज़ों को। अभी ऑनलाइन होने की वजह से बड़ा आसान हो गया है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करिए और अच्छे से काम करके एंजॉय करिए, और इंडिया के जीडीपी में अपना ग्रोथ दीजिए, अपना योगदान दीजिए, जिससे कि जीडीपी हमारी ग्रो हो, हमारे देश की उन्नत होगी, तो हम लोगों की उन्नत होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, कमेंट करो, अभी इससे रिलेटेड कुछ भी, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।